नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेटल डायोड के बारे में। ये देखिए, ये हमारे मेटल डायोड हैं। इनकी पूरी टेस्टिंग आज हम आपको करके बताएंगे, इनकी पूरी डिटेल आपको बारी बारी से बताएंगे और इनको टेस्ट करके भी बताएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे मेटल वाले डायोड हैं, ये कोई नट बोल्ट नहीं है। आप इन्हें नट बोल्ट समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये हाई मेटल के, हाई करंट के, हाई वोल्टेज के डायोड होते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे डायोड हैं, इनमें कुछ में लीड लगी हुई होती है और कुछ में लीड लगी हुई नहीं होती। ये देखिए, ये हमारे बिना वायर के, बिना लीड के हैं। और दोस्तों, ये वाला वायर लीड वाला है, देखिए इसमें यहाँ कनेक्टर लगा हुआ है, लीड लगी हुई है। तो दोस्तों, ये जो हमारे डायोड हैं, ये एनोड और कैथोड दोनों तरह की बॉडी में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो बॉडी है मेरी, ये एनोड और ये हमारा कैथोड, इसमें यहाँ एक काला काला सा ये लगा हुआ है। तो इस, ये बिल्कुल अलग है, ये पार्ट बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, इसे आप नट बोल्ट ना समझे, ये एक हमारा मेटल वाला डायोड है। ये वाला डायोड इसमें उल्टा भी हो सकता है, ये मेरा एनोड और ये कैथोड, और या ये मेरा कैथोड या एनोड, तो उसमें ये दोनों टाइप के हमारे डायोड आते हैं। और दोस्तों, ये हाई करंट, हाई वोल्टेज के होते हैं। इन डायोड को वेल्डिंग सेट में, जनरेटर में, और जहां पर हमें ज्यादा करंट फ्लो करना होता है, ज्यादा करंट लेना होता है, हम इनको यहां पर यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे डायोड हैं, एक इसकी हीट सिंक होती है, हीट सिंक के ऊपर हम इसको टाइट करते हैं, हम इसका फुल ब्रिज बनाते हैं, हम इसका हाफ ब्रिज बनाते हैं, इनको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जो एक सिंपल डायोड होता है 5408 या 4007, सेम ये ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, मैं इसका सिंबल आपको बता देता हूं, जैसे इस वाले डायोड का सिंबल है, सेम इसका सिंबल भी यही होता है। इसमें फर्क होता है हाई वोल्टेज, हाई करंट, हाई फ्रीक्वेंसी का। और दोस्तों, ये वाले डायोड भी हम आपको बता देते हैं, ये भी हमारे देखिए मेटल वाले डायोड हैं, और ये बने बनाए एकदम ब्रिज है। अकेला डायोड यूज करना है तो हम ये वाले डायोड यूज करते हैं, और कहीं हमें इन्हीं डायोड का, कहीं हमें इन्हीं डायोड का ब्रिज बनाना हो तो हम कंप्लीट एकदम ब्रिज ले लेते हैं। ये देखिए, मेटल की बॉडी है, हीट सिंक पर इसको हम सेट कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। ये कम करंट का है, ये हाई करंट का है, ये भी हमारे सब हाई करंट के ही है, ये हमारे लो करंट के आते हैं। तो दोस्तों, इनका जो प्राइस होता है, इसकी अपेक्षा हमारा डायोड 2 रुपए का, 1 रुपए का आता है, और ये हमारे डायोड 50-60 रुपए और 100 रुपए तक की रेंज के आते हैं। और ये वाला डायोड तो हमारा और भी महंगा आता है, क्योंकि इसमें हमारे पहले से ही 4 डायोड इंक्लूड हैं, इसका फुल ब्रिज बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये मेरी इनपुट सप्लाई, ये मेरी इनपुट और ये मेरी आउटपुट। तो दोस्तों, सेम यही है, इसी के, इसके ऊपर ये यहाँ निशान बना हुआ है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यही पहचान होती है। और ये बाकी यहाँ मेटल का ये बना हुआ होता है, इसको हम हीट सिंक के ऊपर लगाते हैं। यहां पर मैं आपको डायोड का सिंबल बता देता हूं, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डायोड का सिंबल हो गया, और इसको हम एनोड और इसको हम कैथोड से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। तो दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव, ये यहां से ये देख लीजिए, तो इस टाइप से होता है। जैसे ये हमारा डायोड है, ये रिंग होता है, ये रिंग ये वाला है, और इधर ये हमारा एनोड, ये कैथोड। तो दोस्तों, ये हमारा डायोड का सिंबल हुआ। तो दोबारा से फिर बता देता हूं, ये जो हमारा मेटल वाला डायोड है,
ये एनोड और कैथोड दोनों तरह की बॉडी में आता है। ये जो बॉडी है ये मेरी एनोड भी हो सकती है और ये मेरी कैथोड भी हो सकती है। आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है इस तरीके से आप मार्केट में से ये वाला डायोड ले सकते हैं। ये तो रहा मेरा डायोड का सिंबल और सिंपल डायोड और मेटल वाले डायोड। इस डायोड की टेस्टिंग बता देता हूं। हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, कोई भी हो मल्टीमीटर हमारा, हमें मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट करना होता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने मल्टीमीटर को डायोड में सेट कर लिया है। तो दोस्तों ये यहां ब्रिज रख लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाले डायोड आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। मल्टीमीटर की हमारी दो लीड है, मल्टीमीटर की पॉजिटिव लीड और नेगेटिव लीड। पॉजिटिव को एनोड पर रखते हैं और इसको हम कैथोड पर रखते हैं। डायोड के ऊपर ये पॉजिटिव और नेगेटिव लीड लगाते हैं, तो देखे यहाँ कुछ रीडिंग आएगी या नहीं आएगी। ये देखे दोस्तों, ये हमने डायोड के ऊपर पॉजिटिव लीड और नेगेटिव लीड लगाई, तो देखे दोस्तों यहाँ ये कुछ रीडिंग बता रहा है, 0.512 ऐसे कुछ रीडिंग ये दिखा रहा है। तो ये मेरा डायोड सही है। यदि मैं इसके रिवर्स में बदलूं तो ये डायोड कुछ भी रीडिंग नहीं बताएगा, ये कुछ भी रीडिंग नहीं बता रहा है, तो मेरा डायोड ये सही है। यदि ये दोनों कंडीशन में कोई भी रीडिंग नहीं बताए तो मेरा डायोड खराब है। यदि ये 0.0 बताए, इस टाइप से 0.0 बताए, तो मेरा डायोड तब भी खराब है, शॉर्ट है। का पॉजिटिव हिस्सा इधर रखते हैं, लीड इधर लगाते हैं और ये नेगेटिव, देखिए ये 0.479। और यदि हम इसकी लीड चेंज कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं बता रहा है। तो दोस्तों ये डायोड मेरा सही है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे दो डायोड, और दोस्तों ये वाला डायोड भी अब हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे जिसमें लीड लगी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये सेम हम इसको भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। डायोड चेक किए हैं, इसमें लीड पहले से लगी हुई है, इसमें लीड को हमें बाद में लगाना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये वाले मेटल डायोड हम चेक कर सकते हैं, और ये सिंपल डायोड भी एक बार हम आपको चेक करके दिखा दें। ये देखिए दोस्तों 0.447, और इधर से दिखाएंगे तो कुछ भी नहीं बताएगा, देखो कुछ भी नहीं बता रहा है। यदि कोई रीडिंग बताता है तो मेरा डायोड खराब है, या कुछ भी नहीं बताए तो तब भी ये डायोड खराब है। डायोड का ये ब्रिज आपको टेस्ट करके बता देते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिज कैसे चेक करते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से आपको सीखना है कि ब्रिज को कैसे टेस्ट करते हैं। ये देखे दोस्तों, यहां देखे ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये मेरी इनपुट। तो इससे पहले मैं आपको पेपर पर एक ब्रिज का सर्किट बना देता हूं, तब ये आपको टेस्टिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को एंड तक देखना है। जब कोई ब्रिज हमारे बने बनाए आए तो हमें इनको कैसे टेस्ट करना है, इसको आसान तरीके से टेस्ट करने के लिए मैं पेपर पर आपको समझा देता हूं, आप बहुत जल्दी से इसको समझ लेंगे। चार डायोड बना लेते हैं दोस्तों। ये एक डायोड ये बन गया और एक डायोड हमारा ये बन गया। दोस्तों दो डायोड बन गए और ये दोस्तों, ये देखिए ये हमारे दो डायोड बन गए हैं। तो यहां से ये वाला हिस्सा हमने मिला दिया, यहां से ये पॉजिटिव, और दोस्तों ये वाला हिस्सा हमारा नेगेटिव, और ये वाला हिस्सा यहां से ये दोस्तों मेरा ये इनपुट। तो दोस्तों ये तो इस टाइप से ये हमारा ब्रिज हुआ, इसको बोलते हैं फायर। तो दोस्तों ये हमारा हुआ रेक्टिफायर ब्रिज। तो इस टाइप से ये यहां समझ लीजिए, ये यहां भी रखिए। तो दोस्तों ये आपको मॉड्यूल यहां रखना है और ये यहां रखना है। तो अब ये समझिए, यदि यहां पर ये मेरी यहां इनपुट है, यहां और यहां लगाऊं तो
तो ये कुछ रीडिंग बताएगा। ये देखिए यहां नेगेटिव इस पर रखता हूं और पॉजिटिव इस पर रखता हूं तो कुछ भी रीडिंग नहीं बता रहा, सेम ऐसे ही जैसे ये हमने डायोड चेक किया था। इसके बाद में ये पॉजिटिव यहां लगा लेता हूं, ये देखिए यहां पॉजिटिव लगा लेता हूं तो ये कुछ रीडिंग बता रहा है। और दोस्तों इस सेम इसी कंडीशन में ये वाला इधर लगाता हूं, यहां देखिए दोस्तों ये भी कुछ बता रहा है। तो वाली चेक हो गई, ये मेरी पॉजिटिव है, ये यहाँ पॉजिटिव है, तो ये वाली ये और ये वाली टेस्ट हो गई। दोबारा से देख लीजिए एक बार, ये यहाँ हम ब्लैक लीड यहाँ लगाएंगे और पॉजिटिव यहाँ लगाएंगे तो देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं दे रहा है। यदि हम इसका उल्टा लगा देते हैं तो कुछ रीडिंग ये देगा, ये देखिए कुछ रीडिंग दे रही 0.504। सेम यही कंडीशन इनपुट पे, यहाँ पॉजिटिव लगाएं और यहाँ लगाएं, यहां देखिए ये रीडिंग दे रहा है। तो ये वाला पॉजिटिव हिस्सा मेरा ये वाला हुआ। और दोस्तों इसका उल्टा यदि हम यहां लगाएं, अब सेम यही यहां लगाएं पॉजिटिव और इस पे लगाएं तो देखिए कुछ भी रीडिंग नहीं दे रहा है, और सेम यही यहां लगाएं तो कुछ भी नहीं दे रहा है। अब इसका उल्टा करें, हम नेगेटिव यहां लगाएं और पॉजिटिव यहां लगाएं तो कुछ रीडिंग देगा। देखिए दोस्तों ये यहां चेंज करें, यहां ये रीडिंग कुछ देगा। तो दोस्तों ये वाला यहां टेस्ट हो गया। दोस्तों यदि ये ब्रिज हमारा 0-0 बताए या किसी भी कंडीशन में ओपन बताए तो ये हमारा ब्रिज खराब हो सकता है, खराब ही है। तो दोस्तों इस टाइप से आपको ब्रिज टेस्ट करने का तरीका पता चल गया। आप इस तरीके से अपना कोई भी ब्रिज टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको मेटल डायोड और ब्रिज टेस्ट करने का तरीका बताया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।